हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, किस किस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, क्या क्रियाएं होती है, कहाँ से निकाला जाता है, कैसे बनता है, ये कल हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का संवंतीकरण यानी कि पेट्रोल को कैसे फिर निकालने के बाद उसका जो रिफाइनिंग की जाती है यानी उसका संशोधन किया जाता है। संशोधन का मतलब होता है उसको कैसे पेट्रोल में, देखो जब निकलता है तो पेट्रोल नहीं निकलता है, जो निकलता है वो एक मिक्सर होता है और उस मिक्सर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। पेट्रोल इज ए डार्क ओनली लिक्विड, यानी कि पेट्रोल जो होता है वो एक काले रंग का लिक्विड होता है। इट हैज द अनप्लेसेंट ऑडर, इट इज अ मिक्सर ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स इत्यादि। यानी कि पेट्रोल जब निकाला जाता है तो वो उसमें सिर्फ पेट्रोल ही नहीं होता, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, आदि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जब पेट्रोल निकालते हैं तो उसके अंदर उसको मतलब ये सारे पदार्थ उसके अंदर उपस्थित होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फैक्ट्री जो पेट्रोलियम इज नाउ एज रिफाइनिंग, यानी कि रिफाइनिंग बोलते हैं कि पेट्रोल की जो इसको अलग किया जाता है तो वो बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा यानी कि मशीनीकरण के द्वारा इसको किया जाता है। इट इज क्रिएटेड आउट द पेट्रोलियम रिफाइनरी वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स द पेट्रोलियम एंड दिस देयर यूजेज आर गिवन टेबल एंड, देखो इस टेबल के द्वारा समझा रखा है कि कैसे कैसे उस पदार्थ उसमें क्या क्या पदार्थ मिलते हैं, पेट्रोल का मिक्सर निकालते हैं उसमें क्या क्या पदार्थ निकलते हैं और उसको कैसे कैसे हम यूज में लेते हैं। तो देखो पहला निकलता है पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लिक्विड फ्रॉम एलपीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका क्या होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका घरों में और इंडस्ट्री क्षेत्रों में उद्योग फ्यूल के रूप में यानी कि ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड हमारा क्या, पेट्रोल, पेट्रोल का क्या करते हैं? पेट्रोल का उपयोग होता है मोटर वाहन उद्योग ईंधन के रूप में, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीन में किया जाता है, और मोटर जो वाहन जो होते हैं ना इसमें भी ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है केरोसिन। केरोसिन का उपयोग किसमें किया जाता है? स्टोव के अंदर, लैंप्स के अंदर, जेट और आर्सेट जो होते हैं, स्टोव लैंप जो हम चलाते थे उनके अंदर किसका किया जाता है? केरोसिन का। ठीक है, उसके बाद आता है डीजल। डीजल का किसमें करते हैं? फ्यूल ऑफ हैवी मोटर्स व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक्स जनरेटर, यानी कि जो डीजल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं यानी कि बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है जनरेटर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन किया जाता है, पैराफिन वैक्स का, ऑन मीटर्स कैंडल्स वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, बिटुमिन का प्लांट रोड सफरिंग यानी कि रोड बनाने में इसमें इसका उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। देखो यहाँ ऊपर थी ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस और ये आती है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर बिकॉज इट इज इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। की नेचुरल प्राकृतिक गैस जो होती है वो एक ही बहुत आवश्यक वेरी इंपॉर्टेंट फोशल्स यानी कि बहुत ही आवश्यक ईंधन होता है जिसका जो पाइप के थ्रू घरों में पहुंचाई जाती है। नेचुरल गैस इज स्टोरेड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस का निर्माण कैसे किया जाता है कि स्टोर यानी कि जो पदार्थ, जो वेस्टेज पदार्थ जो होते हैं इनको हाई प्रेशर के उच्च दाब के अंदर इनको रखा जाता है जिससे कि नेचुरल गैस जिसे हम CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेटर, CNG जो होती है वो पावर जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट बिकॉज द लेस पोल्यूटिंग, यानी कि ये बल्कि ये न केवल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं इसी में उसका उपयोग किया जाता है बल्कि ये जो होती है ईंधन जो होता है ये पोल्यूटिंग, विदाउट पोल्यूटिंग या लेस पोल्यूटिंग यानी कि इसमें पोल्यूशन की मात्रा भी बहुत कम होती है। इट इज ए क्लियर फ्यूल यानी क्लीनर फ्यूल यानी कि यह जो होता है यह साफ ईंधन होता है, प्रदूषण न फैलाने वाला ईंधन होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG दर कैन बी दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इन कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, यानी कि ग्रेट एडवांटेज यह है कि CNG का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी घरों के अंदर और फैक्ट्रियों के अंदर पाइप के द्वारा पहुंचाई जाती है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एक्सटेंस ऑफ मेंडोरा यानी गुजरात
सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर पैलेस, यानी कि इसकी जो कुछ शाखाएं हैं वो कहाँ, गुजरात के अंदर, और कुछ शाखाएं इसकी दिल्ली के अंदर भी है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मैग्नीफिकेशन, नंबर्स ऑफ केमिकल्स आर फर्टिलाइजर्स है। नेचुरल गैस जो बनाई जाती है ये, इसमें जो बहुत कम जो केमिकल्स होते हैं इनका यूज किया जाता है। इंडिया हैज वेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो भारत जो है ये नेचुरल गैस का ज्यादा उत्पादन करता है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यानी कि इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है, बनाई इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, त्रिपुरा के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहां, ठीक है।